बात करते हैं पेट्रोल डीजल और गैस को लेकर। तो इससे जुड़ी एक अहम खबर बता दें, भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने दिल्ली एनसीआर में आज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत देश भर के विभिन्न शहरों के पेट्रोल और डीजल के दाम अपडेट किए हैं। वहीं राष्ट्रीय बाजार में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से 21 मई को वाहन ईंधन पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद से सेल सस्ता हुआ है। वहीं IOCL के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। राष्ट्रीय बाजार में 21 मई से पेट्रोल और डीजल का भाव स्थिर बना हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र ने पेट्रोल पर टैक्स कम किया है। वहीं राजस्थान सरकार ने पेट्रोल पर 2.48 रुपए लीटर और डीजल पर 1.16 रुपए लीटर वेट कम किया है, जबकि केरल सरकार ने पेट्रोल पर 2.41 रुपए और डीजल पर 1.36 रुपए टैक्स कम किया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल पर 2.08 रुपए और डीजल पर 1.44 रुपए वेट कम कर दिया है। वहीं पीएम उज्ज्वल योजना को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। लगातार तेजी से बढ़ रही गैस सिलेंडर की कीमतों के चलते सरकार ने सस्ता सिलेंडर देने की योजना बनाई है। सरकार की ओर से भारी कटौती के बाद गैस सिलेंडर भी सस्ता हो गया है, यानी आपको अब से सिलेंडर पर पूरे 200 रुपए की छूट मिलेगी। वही सरकार की ओर से गैस सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। बता दें ये सब्सिडी आपको एक साल में सिर्फ 12 सिलेंडर पर ही मिलेगी। तो आज की अहम बड़ी खबरों में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।